देखिए, साइक्लोन की वजह से जो हमारे मुंबई के मूल रहवासी है कोली समाज, उनकी कई परिवारों की रोजी रोटी छीन ली गई है। उनकी जो रोजी रोटी का जरिया, जो नाव है जिससे वो मछली पकड़कर अपना गुजारा करते हैं, वो लगभग ऐसे 100 परिवारों के नाव में बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। और कहीं ना कहीं नया नाव उनको पाने के लिए हो सकता है कि 1 साल लग जाए, कभी 1.5 साल लग जाए। और हमारे आदरणीय सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी ने, जैसे उन्हें पता लगा कोली बांधों की स्थिति, तो खुद अस्वस्थ होने के बावजूद उन्होंने मड आइलैंड का दौरा किया और उन्होंने हमारे जो भाजपा का एक शिष्टमंडल है जो साथ में चला था, उसके साथ में दौरा करते हुए उन्होंने परिस्थिति जानी। और उस मंडल में मैं स्वयं उपस्थित था और हम युवा गोपाल शेट्टी जी की इस कार्यशैली को देखकर प्रभावित हुए और हमने ये तय किया कि कहीं ना कहीं हमारा योगदान भी होना चाहिए। इसलिए आज युवा मोर्चा मुंबई की तरफ से हमने सोचा कि जो पहली जो मदद है वो हमारे तरफ से हमारे कोली बांधवों को मिलनी चाहिए। इसलिए हमने जो उनके कम से कम 1.5 से 2-3 महीने का राशन ऐसा हम कर सके, इसलिए हमने ये पहल आज ली है। देवेंद्र भेट जो नाम रखा है, एक उसके पीछे क्या जरूरत है? देखिए, हमारे महाराष्ट्र के सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ नेता हमारे देवेंद्र फडणवीस जी, जो प्रतिपक्ष नेता होने के बावजूद आज आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री एक तरफ घर बैठे हैं और वो पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं जहाँ जहाँ पे साइक्लोन की वजह से नुकसान हुआ। तो उन्हीं से प्रभावित होकर उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए हम युवाओं ने भी मुंबई में, चाहे वो माहिम हो चाहे मढ़ हो, ऐसे सब अलग अलग जगहों पर हमने भी दौरा किया और हमने देखा कि हमारा भी दायित्व बनता है। तो उनसे प्रभावित होकर देवेंद्र जी से हमने लोगों की मदद करने के लिए ठाना और आज उसकी शुरुआत की, एक पहल की है। इसलिए देवेंद्र जी का नाम हमने दिया है क्योंकि एक तरफ सेंटर में मोदी जी और महाराष्ट्र में हमारे नेता देवेंद्र जी, वो लोगों के लिए तत्पर रहते हैं हमेशा ही। जब भी महाराष्ट्र पे कुछ भी समस्या आई तो सबसे पहले देवेंद्र जी आगे बढ़कर मदद करने के लिए आए। इससे हम प्रभावित होकर सभी युवाओं ने देवेंद्र भेंट, इस तरीके से हमने आज कोली समाज के हमारे बांधुओं को महीने का राशन देने के लिए हमने तय किया। जब आप इन परिवार को राशन वितरण के लिए आपने एक प्लान किया कि उन्हें देना है, तो किस तरह से आपने एक लिस्ट बनाई कि हम आप हर नीडी पर्सन तक पहुंच कर उन्हें हेल्प कर पाए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी घर है, तो क्या आप हर घर तक पहुंच रहे हैं या फिर अभी आप कुछ लोगों को दे रहे हैं, कुछ लोगों को फिर आपको देख रहे हैं? नहीं, हम हमारे जो मढ़ के कई सारे मच्छीमार सोसाइटीज़ होते हैं, तो उसमें से जो विविध सोसाइटी जहाँ आप आज अभी हम लोग बैठे हैं, वो सबसे बड़ी सोसाइटी मड आइलैंड की कोली समाज की है। तो सोसाइटी के जो अध्यक्ष है और जो उनके सेक्रेटरी है, इनसे हमने चर्चा की, उन्होंने लिस्ट बनाई, जो मुआयना हमने किया था उसकी एक प्रॉपर लिस्ट बनाकर हमें दी गई है। उस लिस्ट के बाद हमने आज उनसे एक निवेदन करके जो राशन बाटअप है वो आज हमने इस समय तय किया कि जब लोग हमारे पास आ सकते हैं उस समय हमने तय करके उसी लिस्ट के माध्यम से हम आगे बढ़कर उनको दे रहे हैं सबको। फर्स्ट वेव हो या सेकंड वेव हो या फिर साइक्लोन हो, कोई भी हो, यूथ जिस तरह से आगे बढ़कर और आप खुद आगे जिस तरह से देखे जाते हैं, हमेशा वर्क करते हैं, किस तरह से इस जोश और जज्बे के साथ आप काम करते हैं? देखिए, मुझे गर्व है कि आज का जो युवा है वो समाज सेवा और लोक सेवा के लिए हमेशा ही आगे आता है, खास करके भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता। आप पिछले फर्स्ट वेव से भी देख रहे हैं, चाहे वो खिचड़ी बांटना हो, सैनिटाइजेशन करना हो, एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करना हो, या पेशेंट्स को बेड दिलाना हो। सेकंड वेव में भी हमने, चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन प्राप्त करने में मदद करनी हो, चाहे बेड्स दिलाना हो, ऐसे कई अन्य काम युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर उतर के किए हैं। तो मुझे गर्व है कि युवा हमारे जो नेता है, तो नेतागण हमें प्रेरित करते हैं, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस जी हो, चाहे वो हमारे नरेंद्र मोदी जी हो, तो इन सबसे प्रेरणा लेकर युवा जमीनी स्तर पर उतर कर लोक सेवा में उतरे, इसलिए मुझे बहुत गर्व होता है।